टू अनबॉन्डेड जेट टॉक। अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं और आपको नई नई किताबें पढ़ने का शौक है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटर देन बिफोर, जिसे लिखा है रूबिन ने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं बेटर देन बिफोर की। क्या आप जानना चाहते हैं कि गुड हैबिट्स कैसे डाली जाए, न्यू हैबिट्स कब और कहां से शुरू की जाए? दरअसल जो चीज़ें हम डेली बेसिस पे करते हैं वो हमारी हैबिट्स बन जाती है। शुरुआत में कोई भी नई हैबिट अपनाने में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आप इसके आदी हो जाते हैं। ये बुक आपको अपनी डेली रूटीन में बैड हैबिट्स चेंज करके गुड हैबिट्स अपनाने में हेल्प करेगी। आप शायद सोच रहे होंगे क्या हैबिट्स इतनी इम्पॉर्टेंट हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। हैबिट्स आपकी लाइफ बना सकती है, आपकी पूरी लाइफ ऐसे चेंज कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर आप कैलोरी काउंट की हैबिट नहीं डालोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी मिठाइयाँ खा चुके हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि अब तक आपने कितनी बुक्स पढ़ ली हैं, जब तक कि आप रिकॉर्ड्स रखने की हैबिट नहीं डालोगे। जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो बुक आपको समझने में हेल्प करेगी कि आप किस टाइप के इंसान हैं। इस बुक से आप अपने बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स पे चेंज करना सीखोगे और इसमें जो स्ट्रेटजी दी गई है उनसे आपको अपने अंदर गुड हैबिट्स डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। चलिए बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जिसके बेस पे ऑथर कहता है कि आपको ऐसे गुड हैबिट्स अपनानी चाहिए। तो पहला पॉइंट है भाग्यवादी प्रवृत्तियों जो हम दुनिया में लाते हैं, मतलब द फेटफुल टेंडेंसी वी ब्रिंग इन टू द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में आप खुद में अकेले एक हो और ये एक फैक्ट भी है। आपके पास जो एबिलिटी है, जो पोटेंशियल्स हैं, वो किसी और के पास नहीं है। आप यूनिक हो और इस बात पे आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि जो तरीका दूसरों के लिए काम करता है वही आप पर फेल क्यों हो जाता है, तो हम आपसे कहेंगे कि खुद को इस बात के लिए कभी ब्लेम मत करो और ना ही कोई सेल्फ डाउट रखो। आप जैसे कि अक्सर लोग क्लास में अपने लैपटॉप से नोट्स लेते हैं क्योंकि इससे आसानी रहती है, लेकिन ना आपको लैपटॉप यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पेपर पे लिखना ज़्यादा इजी लगता है। हैबिट्स हमारे रूटीन होते हैं जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। जैसे कि आप कई बार हमें किसी हैबिट को अडॉप्ट करने में कोई मुश्किल होती है, लेकिन जो टेक्निक्स दूसरे यूज़ करते हैं वही आपको करने मुश्किल होती है। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस बात बस इतनी है कि हैबिट अडॉप्ट करने का सबका एक डिफरेंट फेज होता है। हो सकता है जो आपको मुश्किल लगे वही दूसरे के लिए बहुत आसान हो। कोई हैबिट प्रैक्टिस करने में इजी है या डिफ़िकल्ट है, इसका एक और रीज़न है और वो है हैबिट से जुड़ी हुई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो कि दो टाइप की होती है। फर्स्ट है आउटर एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से आती है, और सेकंड है इनर एक्सपेक्टेशन जो आपके अंदर से आती है। अगर किसी हैबिट के साथ हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन हो तो आप उस हैबिट को पॉजिटिव में रिस्पॉन्स देंगे। हैबिट के हिसाब से रिस्पॉन्स करने वाले लोग चार टाइप के होते हैं। पहले वो आते हैं अपहोल्डर्स, फिर आते हैं क्वेश्चंस, फिर आते हैं ऑब्लिगर्स और लास्ट में रेबल्स। ये चार टाइप के टेंडेंसीज हैं जो हमारे नज़रिए को इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसी से डिसाइड होगा कि आप हैबिट्स कैसे फॉर्म करेंगे। अपहोल्डर्स अपनी इनर और आउटर दोनों एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। अब चाहे ये सुनने में कितना ही पॉइंटलेस लगे, ये लोग जितना हो सके हर कीमत पर मिस्टेक अवॉइड करते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई लेवल की होती है, यही रीज़न है कि अपहोल्डर्स किसी भी हैबिट जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अपहोल्डर्स के पास डेली टू डू लिस्ट होती है जिसे वो जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई बीमारी या फिजिकल इंजरी भी इन्हें नहीं रोक सकती। हालांकि ज़्यादातर अपहोल्डर्स आउट से ज़्यादा अपने इनर एक्सपेक्टेशंस पर फोकस करते हैं क्योंकि ये अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन को वैल्यू देते हैं।
सेल्फ प्रिजर्वेशन उन्हें खुद की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि कोई अपहोल्डर जो एक्सरसाइज करने की सोच रहा है, वो अपने फ्रेंड से बड़े आराम से बोल सकता है कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ बाहर लंच पे नहीं जा सकता। अपहोल्डर्स में एक और खूबी होती है कि वो अपने रूल्स बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाए तो वो बड़ा गिल्टी फील करते हैं। एक बार की बात है, ग्रेटचेन को एक बरिस्ता में काम करने वाली लड़की ने बताया कि उसे वहाँ पर अपना लैपटॉप यूज़ करना अलाउड नहीं है, पर इतने साल गुजरने के बाद भी वो इस बात को भूली नहीं। जब भी उसे कॉफ़ी शॉप में अपना लैपटॉप यूज़ करना होता तो वो टेंशन में आ जाती थी। अगला टाइप है क्वेश्चनर्स का। क्वेश्चनर्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस पर डाउट होता है। ये लोग एक्सपेक्टेशंस पर तभी रिस्पॉन्ड करते हैं जब उन्हें उसमें कोई लॉजिक दिखता है। क्वेश्चनर्स इस लॉजिक के साथ जीते हैं कि हर एक्शन का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, और तभी वो अपनी इनर एक्सपेक्टेशंस रेडी करते हैं ताकि वो उन्हें फॉलो कर सके। फ्रेंड एट होम डैड एक क्वेश्चनर हैं। जब उसके बेटे को प्रिंसिपल ने शर्ट पैंट के अंदर टक करने को बोला तो फ्रेंड ने पूछा इससे क्या होगा, और फ्रेंड को बड़ी हैरानी हुई जब प्रिंसिपल ने कहा बच्चों को रूल्स फॉलो करनी सीखनी चाहिए। क्वेश्चनर को जब कोई हैबिट रीजनेबल लगती है तभी वो उसे अडॉप्ट करता है, लेकिन अगर किसी हैबिट में या रूल में कोई लॉजिक ना लगे तो उसके लिए उस हैबिट को अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। अगले आते हैं ऑब्लिगर्स को, जो हमेशा दूसरों की खुशी चाहते हैं। ऑब्लिगर्स लोगों को अपनी इनर एक्सपेक्टेशंस पूरी करना मुश्किल काम लगता है, जैसे कि हेल्दी डाइट लेना। ऑब्लिगर्स का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि लोग अपने लिए प्रॉमिस तोड़ सकते हैं पर दूसरों के लिए नहीं, और यही रीज़न है कि ऑब्लिगर्स अपने लिए न्यू हैबिट्स फॉर्म करने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन के लिए कोई आउटर सोर्स चाहिए होता है। अब जैसे ग्रेस को ही ले लीजिए, वो एक यंग प्रोफेशनल है जो रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं। हालांकि ये एक इनर एक्सपेक्टेशंस है, पर ग्रेस रीडिंग के लिए माइंड नहीं बना पाती हैं, इसलिए वो कोई बुक क्लब ज्वाइन करना चाहती हैं जहां पर उसे ऐसे लोग मिले जिन्हें देखकर वो इंस्पायर हो सके। चक एक यंग बॉय है जो अभी ग्रेजुएट होकर एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है। उसे अपने कपड़ों की अलमारी ठीक से अरेंज करनी है, तो चक ने एक चैरिटी ग्रुप को कॉन्टैक्ट करके उन्हें अपने एक्स्ट्रा कपड़े डोनेट कर दिए ताकि वो कपड़े किसी और के काम आ सके। अब क्योंकि ऑब्लिगर्स दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए ये लोग अक्सर काफ़ी प्रेशर में रहते हैं कि दूसरों को कभी ना कभी बोल सकते हैं। माइक एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। एक बार उसके कलीग ने उससे एक रिपोर्ट फिनिश करने में हेल्प मांगी तो माइक मना नहीं कर पाया, और नतीजा ये हुआ कि उसका अपना प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं हो पाया। चलिए बात करते हैं रेबल्स की। रेबल्स जो आउटर और इनर दोनों एक्सपेक्टेशंस को अवॉइड कर सकते हैं, इनके लिए इनकी फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट है। चाहे कैसा भी काम हो, ये लोग अपनी शर्तों में काम करना पसंद करते हैं। इन्हें किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर कोई करे तो ये एकदम अपोजिट करेंगे। अब जैसे टेड को ही ले लें, जो कि एक रेबल है। वो अपने दो फ्रेंड्स के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करता है। एक दिन उसके फ्रेंड्स ने पूछा क्या तुम बर्तन धो लोगे, लेकिन टेड को बर्तन धोने का ज़रा भी मूड नहीं था। वो उन लोगों में से है जो दूसरों के ऑर्डर पर काम करना पसंद नहीं करता। रेबल्स से डील करना मुश्किल लगता है, पर उनसे ट्रिक से काम निकलवाया जा सकता है। जैसे कि अगर पेरेंट्स अपने रेबल बच्चों से कुछ करवाना चाहते हैं तो उन्हें ऑप्शन रखने होंगे ताकि उन्हें चॉइस मिल सके। रेबल्स को कंट्रोल करने का यही एक तरीका है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके से, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समाधान। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आपके लिए काम करता है वो दूसरों के लिए शायद काम ना करे, तो आपके लिए क्या टेक्निक बेस्ट रहेगी ये जानने के लिए खुद पर ध्यान दें। हम खुद को ये बोलकर लिमिट में नहीं रख सकते कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, क्योंकि हम अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो क्या आप गुड हैबिट जल्दी अडॉप्ट कर पाओगे, उन्हें मेंटेन भी रख सकोगे। यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं जिससे आपको कोई भी न्यू हैबिट इफेक्टिव तरीके से अडॉप्ट करने में हेल्प मिलेगी। लार्क और नाइट आउल
ये वो लोग हैं जो दिन के बजाय रात को ज़्यादा बेटर काम करते हैं, और इसे चेंज करना काफ़ी हार्ड है जब आपसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स और एज का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट नाइट आउल होते हैं, जबकि बड़ी उम्र के लोग लॉक्स होते हैं, यानी कि दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है। अगर आप एक नाइट आउल हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए, और अगर आप लॉर्क हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट रात के करीब 10 बजे तक फिनिश नहीं करना चाहिए। मैराथनर, स्प्रिंटर या प्रोक्रास्टिनेटर, अपनी हैबिट स्ट्रेटजी बनाने में ये जानना ज़रूरी है कि किस कंफर्टेबल पेस के साथ आप कोई हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे इस बुक के ऑथर ग्रीट चेन को स्लो और स्टडी पेस के साथ काम करना पसंद है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट फिनिश करने में टाइम लंबा लगाते हो तो आप मैराथनर हो, लेकिन अगर आप अंडर प्रेशर बेटर परफॉर्म करते हो और कोई भी काम तभी शुरू करते हो जब डेडलाइन पास हो, तो आप एक स्प्रिंटर हो। एक स्प्रिंटर शॉर्ट पीरियड के प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना पसंद करता है। कैरोल एक ऐसे ही स्प्रिंटर हैं जिसे ऑडियंस के आगे एक स्पीच देनी थी। उसने अपनी स्पीच उस टाइम रेडी करनी शुरू की जब लोग रूम में आकर अपनी सीट्स पर बैठने लगे थे। अंडर प्रेशर होने के बावजूद कैरोल ने काफ़ी बढ़िया स्पीच तैयार कर ली थी। प्रोक्रास्टिनेटर्स स्प्रिंटर्स की तरह होते हैं, ये लोग भी डेडलाइन से पहले कोई काम नहीं करते। फ़र्क बस इतना है कि अगर काम टाइम से पूरा ना हो तो प्रोक्रास्टिनेटर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अंडरबायर और ओवरबायर, जी हाँ, जो आपने सुना इसका मतलब वही है। अगर आप एक अंडरबायर हो तो आप जल्दी पैसा खर्च करने वालों में से नहीं हो। जैसे कि आप रीज़न दोगे कि अभी आपको न्यू रनिंग शूज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ओवरबायर होते हैं उन्हें शॉपिंग करने का बहाना चाहिए होता है। जैसे कोई नया महंगा ट्रैकर देखकर ये बोले कि मुझे ये चाहिए, इससे मुझे स्टेप्स काउंट में हेल्प मिलेगी। बात जब हैबिट्स की हो तो अंडर बायर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ों पर पैसे खर्च किए जा सकते हैं जो कि एक सही इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और ओवर बायर्स को ये समझना चाहिए कि गुड हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए हमें किसी इक्विपमेंट की नहीं बल्कि पक्की इरादों की ज़रूरत होती है। चलिए आइए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी कि आदतों के स्तंभ, पिलर्स ऑफ हैबिट। न्यू हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए और होल्ड हैबिट्स को चेंज करने के लिए चार क्रूशियल स्ट्रेटजीज हैं। पहला मॉनिटरिंग, फाउंडेशन में शेड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। हालांकि ये सुनने में सिंपल लगते हैं, पर कोई भी नई हैबिट फॉर्म करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर से हम याद दिला दें कि इन स्ट्रेटजीज में इंडिविजुअल डिफरेंस भी काफ़ी मैटर करता है। आप जैसे कि शेड्यूल्स रेबल्स टाइप के लोगों पर काम नहीं करते, जबकि अकाउंटेबिलिटी ऑब्लिगर्स पर सही फिट होती है। मॉनिटरिंग की स्ट्रेटजी तभी इफेक्टिव है जब आपको क्लियर हो कि कब किस एक्शन को मॉनिटर करना है, लेकिन जहां किसी चीज़ को लेकर आपके इरादे पक्के नहीं हैं वहां ये स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। जैसे कि आपने सोचा है कि आप अपनी नॉलेज इम्प्रूव करेंगे, हालांकि कई बार हम चीज़ों को अंडर या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन सही मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए एक स्टडी में पाया गया कि हम अपने खाने को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और बात जब एक्सरसाइज की हो तो उसे ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस स्टडी में पार्टिसिपेंट को बोला गया कि उन्हें 4 मील चलना है, जबकि रियलिटी में सब सिर्फ 2 मील ही चले थे। अगर आप मॉनिटरिंग की शुरू वेट लूज़ करना चाहते हो तो आपको पहले एक स्पेसिफिक बॉडी वेट का गोल सेट करना होगा, और उस गोल को अचीव करने की एक डेट भी डिसाइड करनी होगी। एग्ज़ाम्पल के लिए आप बोल सकते हो कि मुझे 3 महीने में 20 पाउंड वेट लूज़ करना है। बस अब इसके बाद आपको रोज़ अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है। स्ट्रेटजी ऑफ फाउंडेशन का मतलब है एक टाइम में एक हैबिट टैकल करना। अक्सर ये देखा गया है कि जब एक गुड हैबिट्स बनती है तो बाकी हैबिट्स भी खुद इम्प्रूव हो सकती हैं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज की हैबिट्स से आपकी हेल्थ रिलेटेड और वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स में इम्प्रूव हो सकते हैं। लोग जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये कि हम अपनी मोस्ट प्रॉब्लमेटिक हैबिट्स को सबसे पहले टैकल नहीं करते। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए मानते हैं कि कोई हैवी ड्रिंकर है जो अपने ऑफिस लेट पहुँचता है।
हमेशा थका हुआ लगता है और सड़कों पर थूकता रहता है, बजाय अपनी मेन प्रॉब्लम पर फोकस करने की जो कि ड्रिंकिंग है। वो इंसान सड़कों में ना थूकने का प्रॉमिस करता है, जो कि उसके लिए शराब छोड़ने से ज़्यादा ईजी होगा। इसलिए अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसे हैबिट्स डालो जो आपकी बाकी हैबिट्स को भी सुधार दें। शेड्यूलिंग की स्ट्रेटजी का मतलब है कि टाइम सेट करना जब आप हैबिट की प्रैक्टिस करोगे। स्ट्रेटजीज ऑफ फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन हैबिट्स है स्लीप, मूव ईच और अनकटर्ड। मूविंग एक फाउंडेशन हैबिट है क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आप गहरी नींद सो जाते हो और जब आपको अच्छी और भरपूर नींद मिलती है तो आपका मूड भी बढ़िया रहता है। असल में नींद पूरी होने से हम और ज़्यादा गुड हैबिट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। जब आप जल्दी सोते हो तो आपके पास इतना टाइम होता है कि मुंह धोकर नाइट पजामा पहन सको, लेकिन जब आप लेट सोते हो तो आपके पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता है। ग्रेट चेन ने स्ट्रेटजीज ऑफ शेड्यूलिंग भी ट्राई की। मेडिटेशन की हैबिट अडॉप्ट करने के लिए ग्रेट चेन ने स्टडीज ऑफ फाउंडेशन के साथ उसे जोड़ दिया, क्योंकि अक्सर हम न्यू हैबिट्स जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए उन्होंने मेडिटेशन को अपनी ओल्ड हैबिट के साथ जोड़ दिया। ग्रेट चेन ने डिसाइड किया कि वो अपनी सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिटेशन किया करेंगी। इसके बाद वो अपनी न्यू हैबिट की प्रैक्टिस नहीं भूली और धीरे धीरे ये न्यू हैबिट उनकी रूटीन का एक पार्ट बन गई। क्योंकि सिर्फ शेड्यूलिंग काफ़ी नहीं, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी के लिए दूसरों से आउटर एक्सपेक्टेशन भी ज़रूरी है। जैसे कि कुछ पाउंड वेट लूज़ करना एक पर्सनल गोल हो सकता है, और अगर आप ये गोल अचीव ना भी कर पाएँ तो आपको कोई पनिश नहीं करने वाला। पर स्ट्रेटजी ऑफ अकाउंटेबिलिटी अप्लाई करने से आप अपने को वर्कर्स को अपने वेट लूज़ करने का प्लान बता सकते हो और लोग आपको एक्सरसाइज करने के लिए इंकरेज करेंगे, क्योंकि उन्हें आपका गोल पता है। हो सकता है कि वो आपको जंक फूड खाने से भी रोके, लेकिन ये फॉर्मूला हर किसी पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि हर कोई अपने प्लान शेयर नहीं करता है। चलिए बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। इट इज़ इनफ टू बिगिन, यह शुरू करने के लिए पर्याप्त है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी टेंडेंसी क्या है, अप होल्डर, क्वेश्चनर, ऑब्लिगर या रैबर, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी न्यू हैबिट्स कब से स्टार्ट करनी चाहिए और किसी भी न्यू हैबिट की शुरुआत करने के लिए तीन स्ट्रेटजी होती हैं, फर्स्ट स्टेप्स, क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोर्ड। जैसे कि इस चैप्टर का टाइटल है, इट्स नॉट इनफ टू गेट स्टार्टेड, आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही होगा। एक नई हैबिट स्टार्ट करने में थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं, जैसे कि अचानक से जिम जाना शुरू करना, क्योंकि ये आपकी रूटीन का ऑटोमेटिक प्रोसेस अभी नहीं बना, तो आपको जिम के लिए प्रॉपर रेडी होकर जाना शायद वर्कआउट करने से भी ज़्यादा हार्ड लगे। लोग अक्सर न्यू ईयर रेजोल्यूशन के तौर पर हेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक क्लीन स्लेट स्ट्रेटजी मानी जाएगी, क्योंकि न्यू ईयर नई शुरुआत लेकर आता है, इसे हम नए साल का जादू मान लेंगे। कई बार हमें ये सोचकर फ्रस्ट्रेशन होती है कि जो चीज़ दूसरों पर काम करती है वो हम पर क्यों नहीं करती। इंडिविजुअल डिफरेंस से डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि अप होल्डर हो या क्वेश्चनर, ऑब्लिगर हो या रैबर, तो फिर आप उसी हिसाब से ऐसी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो जिससे आपके लिए हैबिट मेंटेन करना बेहद ईजी हो जाएगा। आप किस टाइप के हैं ये जानने के अलावा इस बुक में दी गई स्ट्रेटजीज यूज़ करने की पावर के बारे में सीखेंगे, जो आपको गुड हैबिट्स मेंटेन करने में हेल्प करती है। ये स्ट्रेटजीज हैं मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग और लास्ट अकाउंटेबिलिटी। लास्ट में इस बुक में ऑथर ने न्यू हैबिट्स स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट टाइम्स भी मेंशन किए हैं, जिसे फर्स्ट स्टेप्स, क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोल्ट। हो सकता है कि इस बुक को पूरी पढ़ने के बाद आपको नए हैबिट्स डालने और मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो, तो भी कोई टेंशन नहीं है। न्यू हैबिट्स डेवलप करने में कुछ वक्त लगेगा और कुछ गलतियाँ भी ज़रूर होंगी। चलिए, आपके लिए कौन सी स्टडीज काम करेंगी ये जानने के लिए काफ़ी सेल्फ एक्सप्लोरिंग करनी पड़ेगी। गुड हैबिट्स के लिए शॉर्टकट्स काम नहीं आते, बल्कि एक मुश्किल जर्नी है। जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसके सामने ये मेहनत कुछ भी नहीं होगी। सो गाइस, ये थी बेटर देन बिफोर बाय ग्रेटचन रूबिन की बुक समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा।
और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।